Hello everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. In our last lecture, we were discussed about classification of plant. At that time, we were discussed about halophyte. Do not have a differentiated body part. Algae are included in halophyte. Deeply discuss on algae on my channel Biology by Siddharth Sir. मतलब जैसे कि हम कोई प्लांट बोलेंगे तो उसे हम रूट स्टेम लीफ ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे. हमारा बॉडी है वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा. किस तरह से हेड है, ट्रंक है, लेग है, इस तरह से पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं. लेकिन थैलोफाइट के अंदर इंक्लूड एल्गी को हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते. नॉर्मली दे आर ऑटोट्रॉफिक, ओके, और वो नॉर्मली एक्वेटिक के अंदर हमें दिखते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक के अंदर दिखते हैं. लेकिन उसके साथ साथ जो मॉइस्ट स्टोन है, सॉइल है, वुड, उन सब के अंदर ये नॉर्मली दिखते हैं. इनकी बात करें तो ये जिस जगह पे भी मॉइस्ट एरिया होगा वहां पे वो नॉर्मली आ जाएगी. इनके अंदर साइज का भी वेरिएशन है. देखे तो छोटे से लेके बड़े तक, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर ऐसे क्लेमिडोमोनास से लेके क्लोनियल फॉर्म में आया हुआ वॉल्वोक्स हो, या तो फिलामेंटस फॉर्म में आए हुए स्पाइरोगायरा, ये इनके एग्जांपल है. उनके साथ साथ हम देखे तो मराइन के अंदर बहुत ही ज्यादा फैली हुई ऐसी क्लिप्स, इनका ही एग्जांपल है. इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. ये तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो वो फ्रेगमेंटेशन से होता है. फ्रेगमेंटेशन हम लास्ट के चैप्टरों में समझे ही है क्या क्या होता है फ्रेगमेंटेशन के अंदर, कि पूरी एक ही बॉडी वो बॉडी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है. समझो कि ये एक बॉडी है, उस वो बॉडी एक दो तीन ऐसे पार्ट में अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगी और वो पार्ट एक ही पार्ट नया फिर से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. इस तरह से फ्रेगमेंटेशन इनके अंदर नॉर्मली होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोरुलेशन से होता है. इनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उन स्पोर्स को बोला जाता है जूस्पोर्स. नॉर्मली ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, कई बार नॉन मोटाइल भी होते हैं, लेकिन ये मोटाइल स्पोर्स किस तरह से काम करते हैं कि स्पोर निकलेंगे आगे की तरफ मोटाइल है, मतलब कि कहीं पे जाके फिर से वहां पे ग्रो हो गए नया ऑर्गेनिज्म, वहां पे नई एल्गी बनेगी. इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए और जाइगोट बनाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. कई बार क्या होता है कि ये दोनों गैमेट्स है, मेल का गैमेट्स और फीमेल का गैमेट्स, ये दोनों सिमिलर साइज में होते हैं लेकिन मोटाइल हो गए, बराबर. तो उनका एग्जाम्पल हमने अभी जो आगे बात की कि क्लेमिडोमोनास, वही इसका एग्जाम्पल है. दूसरी बात करें कि दोनों सेम साइज में हो लेकिन नॉन मोटाइल हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा. ओके, तो ये अगर ये दोनों गैमेट सेम है तो उसे बोला जाएगा आइसोगैमेट. ओके, आइसोगैमस बोला जाएगा. वही चीज अगर ये दोनों सेम साइज में नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, सेम साइज में नहीं है, तो उसे बोला जाएगा एनआइसोगैमस. ओके, और कई बार क्या होता है कि इनके अंदर मेल वो साइज में छोटा होगा, फीमेल साइज में बड़ी होगी, बराबर. मेल मोटाइल होगा, फीमेल नॉन मोटाइल होगी. इसको याद रखने के लिए एग्जांपल एक देता हूं कि फीमेल, उसे कहीं जाना नहीं है बाहर काम करने, घर पे ही बैठना है, मतलब कि मोटी हो गई, मतलब कि बड़ा बिग, एंड उन्हें कहीं जाना नहीं है इसलिए नॉन मोटाइल. ओके, अगर मेल को याद रखना है तो क्या उसे काम करने के लिए बाहर जाना है,
तो वो मोटाइल है और बाहर काम करके आता है जाता है इसलिए वो छोटा है। मतलब कि मेल स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल बिग एंड नॉन मोटाइल, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो उसे बोला जाएगा ओगेमस। बराबर, तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस, इस तरह से उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। नॉर्मली एल्गी हमारे लिए कई अलग अलग टाइप की हेल्प करती है, उनकी मेन हेल्प गिने हम तो वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है। इससे क्या होगा कि अर्थ के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो डिक्रीज होगा और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, तो हमें पता ही है कि ऑक्सीजन का इंक्रीज होना है, इनको ऑक्सीजन हमें मिलेगा, तो इस तरह से वो एक मेन हेल्प हमें करती है। उसके साथ साथ एल्गी नॉर्मली फूड के अंदर भी यूज की जाती है। मरीन की ऐसी 17 टाइप की एल्गी है, 17 टाइप की ऐसी स्पीसीज है एल्गी की जो हमारे फूड के लिए यूज होती है। इनके अंदर बात करें कि मरीन के अंदर रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी वो हाइड्रोकोलाइड्स नाम का एक पार्ट रिलीज करती है। ये क्या हेल्प करती है, इट्स अ वन टाइप ऑफ अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस मतलब क्या कि वाटर के अंदर आए हुए ऐसे पार्ट्स जो वेस्टेज पार्ट्स है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि वो वाटर का फिल्ट्रेशन करने के लिए काम आएगा। इंडस्ट्रीज के अंदर ये रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी यूज की जाती है, उनके एग्जांपल एल्जीन है, केराजीन है, ये उनके एग्जांपल है। दूसरी इनके अंदर बात करें तो जेलेडियम नाम की एक एल्गी है जो अगार नाम का एक पार्ट देती है, जो हमें आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने के लिए यूज होता है, उसके साथ साथ वो लेबोरेटरीज के अंदर यूज होता है, माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री की जो लैब होती है उनके अंदर ये अगार यूज किया जाता है। इस तरह की अलग अलग टाइप की कई हेल्प वो हमें करती है और ये नॉर्मली ये हल्का फूड है और वो हमारे खाने के लिए भी काम आता है, तो इस तरह की उनकी अलग अलग हेल्प है। इनके बारे में बात करें तो इनको अलग अलग तीन पार्ट में हम पिगमेंट्स के हिसाब से और इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से और इनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं क्लोरोफाइसी, जिसका दूसरा नाम है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी क्यों, क्योंकि वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आया हुआ है, जो नॉर्मली ग्रीन कलर देता है कि उससे उसके हिसाब से वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। बराबर, इनकी बात करें क्लोरोफाइसी की तो उनके अंदर जो ये पिगमेंट हमने बात की क्लोरोफिल ए एंड बी, ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर आए हुए हैं। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत टेंथ के अंदर पढ़ के आए हो, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आए हुए है। ये क्लोरोप्लास्ट अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग शेप में होते हैं, जैसे कि रिबिन शेप में होते हैं, कप शेप में होते हैं, स्पाइरल शेप में होते हैं, ऐसे अलग अलग शेप के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक दूसरी चीज आई होती है जिसको पायरोमर्स के नाम से जाने जाते हैं। इनके अंदर प्रोटीन्स है, स्टार्च है, ये सबका स्टोरेज होता है। इनके अंदर फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोरेज होता है। इनकी सेलवॉल के बारे में बात करें क्लोरोफाइसी की तो उनकी सेलवॉल रेजिड होती है और अंदर की साइड से वो सेल्युलोज की बनी हुई और बाहर की साइड का लेयर पेक्टोस से बना हुआ होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर तीनों टाइप का होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से, असेक्सुअल जूस्पोर से, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, ये तीनों तरह से सभी तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इनके अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फियोफाइसी की, जिसका दूसरा नाम है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी क्यों, क्योंकि ये ब्राउन कलर की दिखती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर ज़ैंथिन, फ्यूकोज़ैंथिन जैसे पिगमेंट आया था, उसके साथ साथ इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी जैसे भी पिगमेंट आए हैं, इसीलिए ये नॉर्मली ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन कलर तक हमें दिखती है। इनके अंदर बात करें तो ये नॉर्मली कई बार ब्रांचेस में डिवाइडेड भी होती है, हाईली ब्रांचेस में डिवाइडेड, जिसका हमने आगे बात की, क्रेब्स ये इनका एग्जाम्पल है,
जो नॉर्मली मराइन के अंदर दिखती है बहुत ही ज्यादा एरियाज के अंदर फैली हुई दिखती है और वो हाइट के अंदर भी 100 मीटर हाइट्स तक वो जा सकती है। ऐसी है ये ब्राउन एल्गी। ओके, इनके अंदर बात करें, इनके जो प्लाज्मा है उनके अंदर ये पिगमेंट्स के अलावा भी सेंट्रल वॉक्यूल्स आई हुई होती है, न्यूक्लियस आए हुए होते हैं इनके अंदर। इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और इनके अंदर ये जो एल्गी है वो जॉइंट होती है नीचे के, मतलब कि जो कोई भी जगह पे वो आई हुई होती है उनके साथ जॉइंट किस तरह से होती है, तो होल्ड फास्ट नाम का एक पार्ट उनके अंदर आया हुआ होता है, समथिंग लाइक रूट्स जैसा उनके अंदर पार्ट आया, उसके अंदर स्टेम जैसा भी पार्ट आया हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉल्क है, स्टाइप है, उनका अंदर ऐसे पार्ट आए हुए होते हैं। उनके साथ साथ उनके अंदर लीफ लाइक एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन आया हुआ जिनका नाम है फ्रॉन्ट्स, बराबर। ऐसे इनके अंदर अलग अलग पार्ट्स भी आए हुए होते हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर भी तीनों टाइप से होते हैं, लेकिन इनके अंदर वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन से होता है। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो जूस्पोर होते हैं उनके अंदर बाइफ्लेजिलेट जूस्पोर होते हैं, फ्लेजिलम आया हुआ होता है और बाइफ्लेजिलेट्स। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो ओगेमस, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस सभी तरह से। इनके अंदर ये जूस्पोर की बात करें या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूज होने वाले गैमेट्स की बात करें तो उनके अंदर जो ये फ्लेजिला आई हुई होती है, फ्लेजिला पियर शेप के अंदर आई हुई होती है। इनके अंदर फूड का जो स्टोरेज होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है। उनके अंदर लेमिनारिया है, मैनिटॉल है, इनके फॉर्म में उनके अंदर ये स्टोरेज होता है। तो ये हुआ फियोफाइसी, जिनके एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए। नेक्स्ट बात करते हैं रोडोफाइसी की, तो उनका दूसरा नाम है रेड एल्गी। रेड एल्गी क्यों? क्योंकि रेड कलर की दिखती है। रेड कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स में आए हुए है आर फाइको इरेथ्रिन, जो रेड कलर के को इन बताते हैं, इसलिए उनके अंदर ये जो एल्गी है वो रेड कलर की दिखती है। उनके साथ साथ इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी वो भी आए हुए होते हैं। नॉर्मली रोडोफाइसी की बात करें तो वो मराइन वाटर में सबसे ज्यादा दिखती है, फ्रेश वाटर में दिखती है लेकिन बहुत कम। इनके अंदर बात करें तो मराइन में भी ये नॉर्मली हमें सरफेस के ऊपर भी दिखती है और उसके साथ साथ और डेप्थ वाटर के अंदर भी हमें दिखती है, दोनों जगह पे वो नॉर्मली हमें दिखती है। इनके बारे में बात करें तो इनके अंदर जो फूड का स्टोरेशन है वो फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में इनके अंदर स्टोरेज होता है। इनकी बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो मल्टी सेल्यूलर है। इनके अंदर से कई ऐसे है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। ओके, इनकी बात करें रिप्रोडक्शन सिस्टम की, तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनके अंदर नॉन मोटाइल जूस्पोर से होता है। और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नॉन मोटाइल गैमेट्स से होता है और इनके अंदर सिर्फ ओगेमस सिस्टम ही होता है। इनके अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ये जो सारी चीज हम पढ़े ये पूरा हुआ एल्गी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम ये हमारा थैलोफाइट्स भी कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर से हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स वगैरह पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।